चांद के लिए हरकत करने वाले समस्त साथी की बात है, किसी की बात नहीं, भाषणबाजी की भी बात नहीं, लेकिन आदिवासी समाज में नाम किया, नाम कमाया छोटी सी उम्र में, कला के मार्फत और पढ़ाई के मार्फत आज हम देख रहे हैं यहाँ से नीचे से ऊपर आए, जो हकीकत में जहाँ देखो जहाँ भीलों के घर ऊपर ही होते हैं, नीचे नहीं होते, होता तो भी उसको बेच बचा के ऊपर आ जाते हैं, ऐसा आपके यहीं नहीं, हर जगह देखा मैंने, हर जगह सिस्टम देखा। लेकिन एक उभरता कलाकार क्योंकि छा गया था उदयपुर में, हम तो सुबह सुबह एक व्हाट्सअप देख रहे थे, कुंकू मेवाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट था उसका, और उसके साथ में एक बंदा किसी ने उसके देहांत पर भी एक गीत बनाया, इतना अच्छा टैलेंट इसके अंदर था, लेकिन आगे नहीं चल पाया। भगवान से आशा करते हैं कि इनको कुंकू मेवाड़ी को भगवान के सभी चरणों में जगह मिले, और यहाँ के जो परिवार हैं उनको इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करें, कि आज इनके ऊपर बहुत बड़ा आघात हुआ है उससे उभरने की शक्ति प्रदान करें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। हमारे बीच में उदयपुर से युवा टाइगर हेमू जी जो अध्यापक हैं वो भी विराजमान हैं, तो आप भी श्रद्धांजलि स्वरूप दो शब्द। भील समाज की उभरती बाल वृतांगना कुमकुम मेवाड़ी के आकस्मिक निधन से समस्त भील समाज के परिवार के साथ साथ समस्त भील समाज के इनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपलब्धियाँ रही है ये हमेशा याद की जाएगी। सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रमों में भी इनकी उपस्थिति सदैव बनी रही है। मैं इनके निधन पे इनके परिवार को इस हृदयाघात को सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे इसी कामना करता हूँ, एवं कुमकुम मेवाड़ी की दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। नमन। सम्मानित साथी, कुमकुम मेवाड़ी को श्रद्धांजलि देने के बाद से आए सभी साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे कलाकार के ढूंढो तो भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक कलाकार के एक वो दृढ़ संकल्प रहता है बीच में तो ही वो कलाकारी दिखाते हैं, ऐसे लोग के ढूंढने पर भी नहीं मिलते। लेकिन आज की तारीख में देखो तो कुमकुम मेवाड़ी हमारे बीच में नहीं है, तो ऐसे कलाकारों के साथ में हमको इनको इनके परिवार को दृढ़ संकल्प और वो जो भी आश्वासन और अच्छी तरीके से उनको भूल जाए, क्योंकि वो पहले भगवान की इच्छा से थी, अब वो हमारे बीच में नहीं है, उनको बार बार अब याद करने से कोई नहीं है, लेकिन भगवान की दया से शांति रहेगी, उनकी जिंदगी जितनी जिंदगी थी जो भगवान ने दे और वापस ले ली। साथ पे पधारो गए सभी सम्मानित पंचगण और युवा साथी, और बाहर से भी पधारे हुए हमारे कलाकार महोदय कुमार से पधारे हुए हैं, जो गीतकार भी हैं साथ में पधारे हुए सभी, बड़े ही दुख का विषय है कि भील समाज में एक लोक नृत्यांगना के रूप में एक कलाकार जो आपके सामने, काफ़ी आप लोगों ने प्रोग्राम देखा होगा, इनके डांस कई भी देखे होंगे, रात में करवाए भी होंगे, बड़े दुख की घटना है कि कुमकुम मेवाड़ी, इसका नाम सब ओरिजिनल कंकू जी था या कंकू कुमारी भील, तो फिर ये कुछ आर्टिस्ट बनने के बाद में उनका कुछ नाम कुमकुम मेवाड़ी भील के नाम से जाना चाहते हैं, उसका आकस्मिक निधन हो गया, और दुख का विषय है, सुनते ही मैंने एक फोटो देखा व्हाट्सएप पे या किसी ने भेजा, मैं यार ये क्या हो गया, फिर थोड़ी देर में देखो तो दूसरे भी किसी छात्र ने डाला हुआ था, बड़ा ही दुख हुआ व्यक्तिगत तौर से। फिर हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को मैंने फोन पे भी बताया कि अपन को
वहाँ पे बैठने जाना पड़ेगा था। मैं कुछ सामाजिक स्तर पे, हालांकि काफ़ी संगठन आ चुके हैं मेरे पास, पशु संडे के दिन काफ़ी कार्यकर्ता है, उसमें मेरे पास फोन आया लेकिन मैं थोड़ा व्यस्त था, तो हमका बोला कि आप लोग जाके आ जाओ, हम बाद में और भी जाएंगे, और लोग जा रहे हैं, तो दुख का विषय। और देखा जाए आप सभी लोग जानते ही, जाने वाले जानते हैं, काफ़ी लोग भी जानते हैं, लेकिन अपने ही समाज में एक उभरती हुई युवा कलाकार, अब कौन जाने। देखो अब हमारे मित्र लोगराज ने कहा कि अपने बिल समाज के काफ़ी मकान कहीं भी जाओ, हर गांव में जाओ तो काफ़ी मंगरी के ऊपर मिलेंगे, वो मिलेंगे, ये तो वास्तव में सही है कि अपने सिटी में आस पास में देखो, शहर में सिटी में मकान होते हुए भेज भेजेगा से वो गांव में आ गए, काफ़ी लोग ऐसे ये होती है। लेकिन मैं कहने का तात्पर्य यही है कि एक इंटर है ये अपने उदयपुर से कितना दूर है, मान लो राजसमंद भी या होगा तो वो भी दूर होगा, लेकिन एक छोटे से गाँव से, एक ऐसे गाँव से एक उभरती हुई कलाकार निकली, वो समाज को गर्व है। इतने मैंने प्रोग्राम एक दो बार देखा था, एक दो बार सर लोकल लेवल इनको आने का, प्रकाश जी सर आए होंगे? हाँ, लोकल मंडल में आए थे, हमारे वो काफ़ी कलाकार कह रहा सर आप जाओ मुझे भी ले जाना, लेकिन हमारे काफ़ी कलाकारों की ड्यूटी थी, वो साथ में नहीं आ सका, हो सकता बाद में, लेकिन एक उभरी हुई कलाकार। अब देखो अब सर जी ने आपने बोले होगा कि आपके सामाजिक स्तर पर मान लो इस बच्ची के लोग अभी ये घटना सुनी, इतने लोग आ गए, अनादर समाज के कितने लोग आए, अपने समाज के कितने, अपने समाज के भी पूरे राजस्थान से जो भी सुन रहा वो कौन कोई यहाँ पे आ ही रहा है, क्यों भी अब वो लोग क्यों आ रहे हैं कि इनकी कोई अंदर एक कोई टैलेंट था, कलाकारी थी, तो मैं खुद कलाकार हूँ, मैं खुद 16-17 साल की आयु में एक लोकल में सर्विस लगा, उसके बाद में मैं एक मूर्छित क्या हूँ लगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने कहा 20-25 विदेश यात्राएं भी की और काफ़ी प्रोग्राम भी दिए हैं मैंने, तो एक कलाकार को बनना कोई इतना आसान काम नहीं, लेकिन इतने से छोटे से एरिया से इतनी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की इन्होंने लोक नर्तने के रूप में। आप देख लो फिल्मों में भी काम किया है, सजीग्राम गीत लिखते, वो गीत लिखते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, उसके साथ में इसने हाव भाव जो अंग प्रतिभा इन्होंने की होगी, अब वो कोई फिल्म है राजस्थान बाहुबली में सर कोई गाने पर कुछ डांस किया है, तीन गाने पर किया है, मार्च में रिलीज होने वाले, मार्च में 22 में रिलीज होगी, उसमें राजस्थानी गीत गीती हूँ। हाँ, तो उसमें देखो फिल्मों में भी काम करने को मामूली बात है। इनकी इनके उसमें डबिंग अभी चल रही है रनिंग, कल ही मेरा डायरेक्टर का फ़ोन आया, तो इनकी जो आवाज़ है वो अब इनकी बहन निकालेगी, बड़ी बहन है वो इनकी डबिंग में इनकी आवाज़ निकालेंगे, इन्होंने रोल किया था, डबिंग बाकी थी, डबिंग बाकी है, तो उस आवाज़ मिलती है वो करेंगे। इतनी बड़ी एक कलाकार, तो समाज को गर्व है और दुख है इस बात का है कि छोटी सी आयु में दे भाई। समाज इनके कार्य को सदैव याद, एजुकेशन तो जारी है लेकिन 12वीं में जो परसेंट बना है जो 86% जी, ये सही बात है, सही बात, 86% बोर्ड में 12वीं में इस बच्ची ने 86% 12वीं पास किया, पढ़े अभी भी जारी रही, तो उनकी कमी तो समाज को खुलती रहेगी। सामाजिक उस्तों में भी समाज के कोई भी कहते हैं, अभी जैसे शर्मा साहब बेटे सहारे से बता रहे हुए हैं कि हमने उधर प्रोग्राम कराया, आप देखो सुन सुन लोग आ रहे हैं, तो एक इतनी समाज को शक्ति हुई है, अपने सामाजिक स्तर पर काफ़ी कलाकार है, लेकिन एक छोटी सी आयु में इस बच्ची ने इतना नाम हासिल किया है। हमें बिल समाज उदयपुर के जिलाध्यक्ष विराजमान है दाना साहब, हमारे बिल समाज चौकला चिकलवास मठ के काफ़ी कार्यकर्ता हैं लोगरलाल जी, मांगीलाल जी हमारे सचिव साहब हैं, तो लोग की बात हमारे कोषाध्यक्ष हैं, हेमो जी युवा साथियों के एक युवा की धड़कन है, साथ में काफ़ी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, उनकी सबकी तरफ से और उदयपुर के आस पास में अपने समाज की ओर से कुमकुम नवाड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके कार्य को उनके काम को समाज कभी भूलेगा नहीं, याद करता रहेगा। साथ ही में इनके नाम से एक कुछ शोक संदेश बनाया है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। एजुकेशन यानी परिवर्तन का जारी था, अब देख लो कितने हैं, लेकिन एक शिक्षा के प्रति मैं यही आह्वान भी करता हूँ कि अपने समाज में कुरीतियाँ भी काफ़ी है, उनको मिटाया जाए और शिक्षा के प्रति विशेष जागरूकता बढ़ानी चाहिए। शोक संदेश है कुमकुम मेवाड़ी के नाम पर, श्रीमान नाना लाल जी गाँव मची, शोक संदेश। हम समाज को ये जानकर अत्यंत दुख है कि आपकी सुपुत्री सुश्री कंकु कुमारी कुमकुम मेवाड़ी का आकस्मिक निधन दिनांक 10/1/22 सोमवार को हो गया है। इनके निधन से आपके परिवार के साथ साथ समस्त बिल समाज को भी गहरा दुख हुआ है। आपकी सपुत्री ने बहुत ही कम उम्र में बाल नृत्यांगना के रूप में ख्याति प्राप्त कर समाज में एक अनूठी पहचान कायम की थी। क
कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भजन संध्याओं व सामाजिक कार्यक्रमों में इनकी उपस्थिति सदैव रहती थी। भीलसमा चोकला चिकरवास मठ व भीलसमा सेवा संस्था उदयपुर के समस्त पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण गहन शोक प्रकट करते हैं एवं परमपिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें एवं शोक संतप्त परिवार को इस गहरे आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। मैं चाहूँगा कि एक 2 मिनट का मौन। सूरी जी बताने वाले हैं।